हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो बने रहेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 10, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव रहेगा, इट्स मीन ट्रू एंड फॉल्स है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 सब कुछ बताया जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। बताया क्या गया बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू आर सबसे पहले दे दिया गया है। ट्राइंगल एक बना लेते हैं पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का क्यू पोजीशंस पे बना हुआ है। फिर ये दे रहा है पॉइंट्स, क्या गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं गिवन पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे गिवन पॉइंट्स, बिल्कुल भी छूट ना पाए, सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसे हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड पी क्यू इक्वल टू पी Q इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन सेकंड। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, पी आर एंड आर क्यू दोनों को मिला करके हमारा दिया गया है 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम लेट क्या करने के लिए कि Q एंड R, लेट यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये हम थर्ड पोजीशन मान लेते हैं, क्यू आर इक्वल टू हम यक्स सेंटीमीटर मान चुके हैं। ओके, यक्स सेंटीमीटर मान चुके हैं, सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, यक्स सेंटीमीटर हम मान चुके हैं, ले लिए हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट निकालेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट से पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो पी आर इक्वल टू, ये पी आर निकालने के लिए, क्योंकि पी क्यू भी हमारा 5 हो चुका है, गिवन किया गया है, पी आर प्लस आर क्यू हमें मिला है 25। और मान लेते हैं हम आर क्यू एक्स मीटर हो, एक सेंटीमीटर हो गया, बचता क्या है सिर्फ पी आर। प्यारे लाल बच जाते हैं बेचारे, उनको एक साइड में कर लेते हैं, होता क्या है कि 25 है ही, इस साइड ले आते हैं माइनस क्यू आर हो जाता है। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, क्यू आर हम ले चुके हैं यक्स, तो ये हो जाता है पी आर की वैल्यू फ्रॉम थर्ड से हम वैल्यू क्यू आर इक्वल टू, यानी कि क्यू आर इक्वल टू यक्स ले लिए हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर। इतना कन्फर्म हो चुका, सब कुछ बन चुका। अब ना हमें करना क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। इसके पहले हम सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि हमारा वैल्यू कैसे फाइंड हो सकता है, यानी कि यहाँ तक पोजीशंस आपको कन्फर्म हो चुकी है। अब क्या आगे के पोजीशंस, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे के पोजीशंस में बताएंगे कि आपको करना क्या है। इतना कन्फर्म हो चुका। अब भाई जब पाइथागोरस हम थ्योरम लगाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे सब कुछ हमारा क्योंकि मेथड निकल चुका है, सब मालूम हो चुका है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। जब हम रिमूव कर देंगे तो निकालना क्या था बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाता है पी आर स्क्वायर इक्वल टू, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 25 माइनस यक्स है होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू यक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला होता है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहीं पे प्लस हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ इस कंडीशन को बच्चों हम इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ओके, कन्फर्म हो चुका। अब क्या करेंगे, जब कन्फर्म हो चुका है तो 25 यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 25 इंटू बी की वैल्यू यक्स, फिर इक्वल टू करते हैं पंचम 25 प्लस यक्स का होल स्क्वायर यक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 25 छस 25 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 25 दोनों 50 यक्स इक्वल टू 25 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इम्प्लाइज दैट करते हैं माइनस 50 यक्स इस साइड रखते हैं एंड 25 प्लस यक्स स्क्वायर है ही, इस पोजीशंस को हम उस साइड ले लेते हैं, माइनस 625 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, इम्प्लाइज दैट माइनस 50 यक्स स्क्वायर टू 25 माइनस 625, सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 600 बचेगा, ये 50 यक्स है ही। अब बच जाता है इम्प्लाइज दैट यक्स इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, खत्म हुआ, ये है 50
मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, जीरो वेज जीरो कैसे, 12 पंचे 60, तो यक्स इक्वल टू आपका 12 आ गया, यक्स इक्वल टू 12, जो कि यक्स किसके इक्वल है, यक्स हमारा क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर, यानी कि इट्स मीन्स क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गया है, क्यू आर यक्स इक्वल टू हमारा 12 निकल के आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया। वी नो दैट, हमें कन्फर्म है, वी नो दैट, हमें पता है कि पी आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू भी कितना निकली, 12 निकली, तो ये हो जाएगा 13, तो इट्स मीन्स पी आर की वैल्यू आ जाती है 13 सेंटीमीटर, 12 सेमी, यहाँ पे करेंगे 12 सेंटीमीटर, ये आ जाता है 13 सेंटीमीटर, ये तो 13 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा हो जाता है 12 सेंटीमीटर कन्फर्म हुआ, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब आ गया पी की क्यू वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड आर क्यू या फिर क्यू आर कहिए, कुछ भी समथिंग कहिए, 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड द फॉलोइंग रेशियो क्या फाइंड करना है, ये रहा साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो करेंगे क्या, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, यही हमें तीनों फाइंड करना है, कुछ भी समथिंग्स नहीं करना है। साइन पी वी नो दैट, हमें पता है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, साइन का पी अपान यच होता है, पी अपान यच, साइन पी से निकाल रहे हैं, पी से निकाल रहे हैं, तो पी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है 12 एंड हाइपोटेनियस 13, 12 अपान 13, ये हो गया। अब कॉस पी, कॉस का क्या होता है, बी अपान यच होता है, बी अपान यच, तो पी से ही निकालना है, बी हमारा हो जाता है 5 अपान 13, यच हमारा 13 है। टेन का, टेन का होता है पी अपान बी, पी अपान बी इक्वल टू पी हो जाएगा बच्चों, पी से ही परपेंडिकुलर हमारा आ गया पी अपान बी, हाँ सही है, 12 अपान 5। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना था, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना था जिसमें एंगल क्यू को 90 डिग्री रख देना था। अब बच्चों दिया गया है कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया था, पी आर प्लस आर क्यू की वैल्यू हमें 25 दिया गया था, तो मान लेते हैं हम आर क्यू की वैल्यू यक्स मान लिए, फिर फर्स्ट वाले से पी आर प्लस आर क्यू से इक्वल टू हम 90 क्या कर दिए, ये देख रहे हैं, हाँ फर्स्ट कंडीशंस में हम निकाल लिए थे, इक्वल दोनों को कर दिए थे, तो मान लेते हैं क्या पी क्यू कर दिए थे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 25 माइनस एक्स आ गया, दोनों का पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिए जिससे कि 12 सेंटीमीटर हमारा कन्फर्म हुआ, जो कि हमारे क्यू आर एक्स की वैल्यू जब आ गई 12 सेंटीमीटर, जो कि यक्स हम माने थे क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की निकल गई। अब पी आर की वैल्यू निकालने के 25 माइनस एक्स, 25 में 12 सब्सट्रैक्ट कर दिए, यक्स की वैल्यू 13 आ गई। अब हमें फाइंड करना था साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तीनों के तीनों वैल्यू रखें फाइंड करें। आई गेस आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसी लेक्चर्स में हम ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट की लेक्चर्स की बात करेंगे, वो होता क्या है 11, तो चलिए उसको लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पुश करके नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए बच्चों फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपका सेकंड प्रोसेस ट्रू है, बाकी सारे के सारे फोर्थ स्टेप आपके निगेटिव पॉइंट्स यानी कि फॉल्स हैं। तो आई गेस आपको लेक्चर बड़ा ही अच्छा लगा होगा, बड़ा मनमोहक लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे। आपको आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाया जाएगा इसके पश्चात, यानी कि इसके बाद वाले लेक्चर्स में। थैंक यू, गुड बाय बच्चों।